पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुरादाबाद महानगर द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमल कुमार खटीक उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने की और संचालन महानगर महामंत्री अभिषेक राठौर ने किया। बैठक में भाजीमो द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश मंत्री अमल कुमार खटीक ने कहा कि भाजीमो आगामी कार्यक्रमों में वन बूथ 20 यूथ का अभियान चलाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर 20 युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और युवा सम्मेलन, युवा संवाद कार्यक्रम तथा मंडल कार्य समिति आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। बैठक में भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजयुमो राजू कालरा, प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान, क्षेत्रीय महामंत्री अनुज कश्यप, सचिन चौधरी, महानगर महामंत्री अमित सैनी उर्फ गुड्डू सैनी, मीडिया प्रभारी अर्चित गुप्ता, भाजयुमो महानगर के समस्त उपाध्यक्ष, मंत्री, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और महानगर कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित रहे। युवा मोर्चा मुरादाबाद महानगर की आज कार्य समिति संपन्न होने जा रही है। इस कार्य समिति में जो युवा मोर्चा के सेवा ही संगठन 17 सितंबर से माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 तारीख से एक अभियान 7 अक्टूबर तक चलाने का काम युवा मोर्चा ने किया, उसमें रक्तदान शिविर, नवभारत मेला, ऐसा करके विभिन्न कार्यक्रम सेवा ही समर्पण के अंतर्गत चलाए गए। उसकी जिले में जैसे वे कार्यक्रम चलाए गए उसकी समीक्षा को लेकर इस कार्य समिति में हम विषय रखेंगे और आगामी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आने वाले कार्यक्रम हैं, जिसमें मंडल की कार्य समिति, मंडल युवा संवाद 1 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रोफेशनल यूथ को लेकर युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 14 बड़े महानगरों में प्रोफेशनल यूथ के साथ कार्यक्रम करने जा रहा है। 1 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में युवा सम्मेलन विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आयोजित करेगा। ऐसे करके युवा मोर्चा के विभिन्न कार्यक्रम चलने वाले हैं। 2022 के निमित्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए युवा मोर्चा संकल्पबद्ध है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रांशुदत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया गया है, माननीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी ने संकल्प लिया है कि 350 पार सीटें जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा विस्तारकों की तरह युवा मोर्चा काम करने का काम करेगा। इतना ही विषय मुझे रखना है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो युवा मोर्चा रहेगा उसकी कितनी भागीदारी मान के चलते हैं 2022 के लक्ष्य? युवा मोर्चा संगठन द्वारा जो भी जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी का आधार युवा मोर्चा माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा को जो अभियान, जो कार्यक्रम दिए जाते हैं उनको करने के लिए युवा मोर्चा कर्तव्य हमेशा तैयार रहता है और आने वाले चुनाव में जो भी अभियान हमें दिए जाएंगे हम उनको संकल्पित होकर करने का काम करेंगे। मुरादाबाद में युवा मोर्चा जो है यहाँ पर जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया, कुछ अभी तक सामने आया? मेरा तो प्रवास की दृष्टि से पहला प्रवास मुरादाबाद में आज लगा है। मैं अभी यहाँ पे
पहली बार परिचय की दृष्टि से भी आप सब लोगों के सामने परिचय आए हैं, तो अभी मेरा प्रवास लगा है, अभी यहाँ रहूंगा मैं, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।